नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मूवर्स में आपका स्वागत है। दोस्तों आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को हिट जरूर कर ले। आज हम बात करेंगे ट्राइडेंट लिमिटेड के बारे में। इस कंपनी की बात करें तो आज के दिन 6% की गिरावट देखने को, गिरावट के पीछे का रीजन एक ही है दोस्तों, कंपनी के जो क्वार्टर फोर के रिजल्ट हैं लगभग उसमें नेट प्रॉफिट जो है कंपनी का 28 से 30% के आसपास जो है कि डाउन देखने को मिला है, जिसके कारण कंपनी में गिरावट देखने को मिली। हालांकि दोस्तों अगर हम गिरावट की ही बात करें तो इस कंपनी मतलब रिजल्ट के पहले देखा जाए तो इसमें जो है कि तेजी भी देखने को मिली थी। तो आपको पता दोस्तों कि कोई 25 रुपए से कंपनी 35 रुपए 34 रुपए की प्राइस पे जाएगी तो वहां से जो है कि गिरावट तो होनी ही है। हालांकि दोस्तों ऐसे में कुछ रिटेलर को जो है कि इस स्टॉक में बाइंग अपॉर्चुनिटी दिख रही है। बहुत सारे रिटेलर कमेंट भी कर रहे हैं कि अभी इस स्टॉक में निवेश करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, जिससे रिलेटेड अभी हम बात करेंगे। हालांकि कुछ रिटेलर फंसे हैं तो उससे रिलेटेड भी हम बात करेंगे। चलिए हम स्टॉक के ऊपर आ जाते हैं, आगे ट्राइडेंट लिमिटेड के ऊपर। जैसा कि आप देख सकते हैं कंपनी की बात करें तो आज के दिन इस कंपनी में 6% के ऊपर जो है कि गिरावट दर्ज हुई है। वहीं पर अगर पॉइंट फॉर्म की बात करें तो 2.10 रुपए के आसपास कंपनी ने आज के दिन गिरावट दर्ज किया है। यहां पे आप देख भी सकते हैं लगभग 35 रुपए के आसपास कंपनी का प्रीवियस क्लोजिंग है, जो कि कंपनी में जबरदस्त आज के दिन पिटाई हुई है। हालांकि दोस्तों गिरावट के पीछे का रीजन आप सभी लोगों को पता है कि कंपनी के जो मतलब क्वार्टर फोर के रिजल्ट है दोस्तों, उसमें नेट प्रॉफिट लगभग 28% डिक्लाइन देखने को मिले। वहीं पर अगर हम कंपनी की बात करें तो इस कंपनी ने डिविडेंड भी दिया दोस्तों। डिविडेंड की बात करें तो 36 पैसे का कंपनी ने डिविडेंड दिया। हालांकि दोस्तों इस कंपनी से बहुत ज़्यादा आप उम्मीद मत रखना कि बहुत हैवी डिविडेंड आपको पे करेगी। 36 पैसे का डिविडेंड है, जो कि रिकॉर्ड डेट एक्स डेट की बात करें तो 1 जून। तो वहीं पर अगर कंपनी की बात करें तो 5 दिन में ये कंपनी आप देख सकते हैं इसका जो चार्ट आपको देखने को मिल रहा है ऊपर ही देखने को मिलेगा, जो भी गिरावट देखने को मिली है आज के ही दिन देखने को मिली है। वहीं पर अगर हम एक साल की बात करेंगे तो एक साल में ये कंपनी लगभग 30% के आसपास डाउन हो गई। और यहाँ पे अगर हम 5 साल की बात करेंगे तो 5 साल में आज भी कंपनी दोस्तों लगभग देखा है तो 450% का रिटर्न बना के दे रही है। और हालांकि दोस्तों इस कंपनी की खासियत क्या है कि बहुत तेज़ी से गिरावट दर्ज नहीं की, ये कंपनी धीरे 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 धीरे, देखिए दोस्तों जो कंपनी अपर सर्किट में रहेगी दोस्तों अपर सर्किट में ऊपर जाएगी, तो वही जो है कि लोअर सर्किट में नीचे आएगी। हालांकि दोस्तों इसमें एक पॉजिटिव साइन है। पॉजिटिव साइन क्या है कि अभी कुछ दिनों से देखा है तो ये कंपनी एक प्रॉपर ट्रेडिंग कर रहा है। आप अगर 1 महीने के चार्ट को देखेंगे तो 1 महीने में लगभग इस कंपनी लगभग 15% के आसपास 15 से 16% का रिटर्न बना के दे दिया था। हालांकि दोस्तों आप सभी लोगों को पता है कि किसी कंपनी में नेगेटिव न्यूज अगर आ गई तो उसमें जो है कि प्रॉफिट बुकिंग तो आनी में फंसे हैं, जिससे रिलेटेड हम बात करेंगे। और कुछ इन्वेस्टर को अभी इस स्टॉक में बाइंग अपॉर्चुनिटी दिख रही है, जिससे रिलेटेड मैं बात करूंगा। हालांकि दोस्तों डिसीजन आपको ही लेना है कि बाइंग करना है सेलिंग करना है। सबसे पहले दोस्तों कंपनी करती क्या है तो इस कंपनी के बिजनेस को हम जान लेते हैं। हालांकि दोस्तों इस कंपनी के पास छोटे मोटे बिजनेस बहुत सारे हैं दोस्तों, लेकिन हाँ ये कंपनी 2 चीज़ों में जानी जाती है। सबसे पहले जो है कि टेक्सटाइल सेक्टर है दोस्तों इस कंपनी के पास, और सेकंड जो है कि कंपनी के पास केमिकल सेक्टर है। हालांकि दोस्तों कंपनी के पास जो है कि पेपर सेगमेंट है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पावर से रिलेटेड भी कंपनी काम करती है। मतलब कंपनी के पास बहुत सारी बिजनेस है, इस चीज़ को नोट कर सकते हैं। लेकिन जो मेन बिजनेस है दोस्तों टेक्सटाइल, टेक्सटाइल की बात करें लगभग 28% का रेवेन्यू आता है। बाकी देखा जाए तो मतलब छोटे मोटे बिजनेस से कंपनी के पास रेवेन्यू आता है। वहीं पर कंपनी जो है कि केमिकल सेक्टर में भी काम करती है। हालांकि दोस्तों अगर हम इस कंपनी की बात करें तो ये कंपनी एक प्रकार से आप सेक्टर का लीडर भी कह सकते हैं। वहीं पे दोस्तों इस कंपनी की बात करें तो ये कंपनी लगभग 70 रुपए के आसपास गई थी, जो कि एक्चुअल में कंपनी का ऑल टाइम हाई है। लो की बात करें तो कंपनी का वही 25 रुपए के आसपास है, जो कि रिसेंट में लगाई है। हालांकि दोस्तों आप देख भी सकते हैं कि ये कंपनी सेक्टर का लीडर है। सेक्टर का लीडर होने का मतलब यहाँ पे आप देखेंगे तो फर्स्ट नंबर पर ट्राइडेंट आता है, और सेकंड नंबर की बात करें तो सभी रेमेंड से लेकर के तमाम ऐसी छोटी मोटी कंपनियां दोस्तों जो कि सभी आती है, जैसा कि आप देख भी सकते हैं। हालांकि दोस्तों अगर वहीं पे कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट की बात करें, जो कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस, ईयर ऑन ईयर बेसिस, दोनों बेसिस पे अगर कंपनी के सेल्स देखेंगे तो डाउन देखने को मिलेंगे। ऑपरेटिंग प्रॉफिट डाउन है। कंपनी के मार्जिंस भी देख सकते हैं दोस्तों कि कंपनी के मार्जिंस भी देखा है तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस फ्लैट है, ईयर ऑन ईयर बेसिस पे डाउन देखने को मिल रहे हैं। वहीं पर अगर हम नेट प्रॉफिट की बात करें तो नेट प्रॉफिट भी आप देख सकते हैं कंपनी के डाउन ही देखने को मिल रहे हैं, जिसके कारण स्टॉक में आज के दिन गिरावट देखने को मिली है। हालांकि दोस्तों कंपनी के ईपीएस में भी डाउन है दोस्तों, इस पॉइंट को भी नोट कर सकते हैं। कंपनी के ईपीएस भी जो है कि डाउन ही है, मतलब एक नेगेटिव नहीं दोस्तों। कंपनी के क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस, ईयर ऑन ईयर बेसिस, दोनों बेसिस पर कंपनी के नेट प्रॉफिट डाउन, ईपीएस डाउन, मार्जिंस डाउन, मतलब देखा जाए तो कंपनी में कुछ ज़्यादा निगेटिव देखने को मिल रहे हैं। वहीं पर अगर हम कंपनी के पीएनएल की भी बात करेंगे दोस्तों तो आप देख सकते हैं कि सबसे हाईएस्ट ये था, उसके बाद ये कंपनी डाउन हो गई। यहां पे अगर मार्जिंस भी देखेंगे दोस्तों तो मार्जिन सीधा 22 से घट करके जो है कि इस समय 15 पे आ गया, तो इस पॉइंट को भी नोट कर सकते हैं। यहां पे ईपीएस की बात करें तो ईपीएस सीधा 1.64 से घट करके
87 के आसपास आ गया। हालांकि दोस्तों कुछ इन्वेस्टर कहेंगे कि इस समय मतलब कि स्ट्रगल ही कर रहे। देखिए दोस्तों, एक टेक्सटाइल सेक्टर भी स्ट्रगल कर रहा है और केमिकल सेक्टर भी स्ट्रगल कर रहा है। तो सबसे पहले दोस्तों ज्वेल इन्वेस्टर इस स्टॉक को बाइंग करना चाहते हैं, बहुत ही लॉन्ग टाइम के बारे में सोचना, शॉर्ट टाइम में कुछ भी नहीं होने वाला है। हालांकि दोस्तों सेल्स ग्रोथ की बात करें तो कंपनी का देखा है तो वही 10-7% के आसपास है। प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें तो वही सेम मतलब 10-11% का है। CGR की बात करें तो कंपनी रिटर्न बना के दिया, रिटर्न इक्विटी की बात करें तो लगभग 15 के आसपास है। हालांकि दोस्तों अगर हम कंपनी के बैलेंस शीट की बात करें तो कंपनी के जो बैलेंस शीट है दोस्तों स्ट्रांग ही आप इसको कह सकते हैं। अगर कंपनी के मतलब जो बोर्ड डेट की बात करें तो डेट कंपनी के डाउन देखने को मिल रहे हैं। हालांकि दोस्तों सभी कंपनियों में मतलब कुछ ना कुछ पॉजिटिव कुछ ना कुछ निगेटिव रहते हैं, तो ऐसे में अगर हम इस कंपनी के निगेटिव पॉइंट की बात करें या पॉजिटिव पॉइंट की बात करें, सबसे पहले अगर आप निगेटिव पॉइंट तो हमने देख लिया दोस्तों, पॉजिटिव पॉइंट की बात करें प्रमोटर ने माल को उठाया है, वहीं पर अगर हम FIs की बात करते हैं FIs ने भी बाइंग किया। लेकिन DIs दोस्तों देखिए कंपनी कितना अच्छा परफॉर्मेंस कर रही थी, मतलब DIs आप देख सकते कि धीरे धीरे आ रहे हैं, या तो उनके पास जो पुरानी होल्डिंग्स है तो लॉस में तो सेल नहीं कर रहे हैं। यहीं पर अगर हम गवर्नमेंट्स की बात करें तो गवर्नमेंट सही नहीं, पब्लिक की बात करें तो पब्लिक के पास लगभग 23% का स्टेक है, इस पॉइंट को भी नोट कर सकते हैं। और सेकंड दोस्तों इसमें कुछ अदर्स भी है। हालांकि दोस्तों अगर हम पब्लिक की बात करें तो पब्लिक में देखा जाए तो कुछ इंडिविजुअल पर्सन का आपको नाम देखने को मिलेगा। हालांकि दोस्तों आप कह सकते हैं मतलब इतना कुछ खास जो है कि स्टेक सो होते हुए नहीं दिख रहा। स्टॉक में अपने को करना क्या है, सबसे पहले दोस्तों ज्वेल इन्वेस्टर इस स्टॉक में फंसे हैं तो हालांकि दोस्तों हम आपसे इतना ही कहना चाहते हैं कि देखिए किसी कंपनी में पॉजिटिव किसी कंपनी में निगेटिव, ये तो मार्केट है दोस्तों, यहाँ पे जो है कि निगेटिव पॉजिटिव आते रहते हैं। तो ऐसे में ज्वेल इन्वेस्टर इस स्टॉक में फंसे हैं दोस्तों। सबसे पहले अगर आप 5 साल के चार्ट को देखें तो 5 साल में कंपनी ने आज भी जो है कि 450% का रिटर्न बना के दिया। हालांकि दोस्तों अगर हम इस कंपनी की बात करें तो आपने जो है कि एकदम टॉप पे बाइंग किया दोस्तों, तो जाहिर सी बात है कि कोई भी कंपनी में अगर आप टॉप पे बाइंग करेंगे तो वहां से गिरावट होनी है। ज्वेल इन्वेस्टर इस स्टॉक को बाइंग करना चाहते हैं मेरे पॉइंट से अभी चाहे तो फिलहाल के लिए आप अवॉइड कर दें। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ दोस्तों, तो सबसे पहले आपसे बता दें कंपनी जो है कि एक टेक्सटाइल सेक्टर को बिलोंग करती है और सेकंड जो है कि केमिकल सेक्टर। हालांकि छोटे मोटे बिजनेस कंपनी के पास बहुत सारे हैं, लेकिन 28% 30% जो रेवेन्यू आता है दोस्तों टेक्सटाइल सेक्टर से आता है, सेकंड जो रेवेन्यू आता है दोस्तों तो केमिकल सेक्टर से आता है, और पेपर सेक्टर से भी कंपनी के पास रेवेन्यू आता है। लेकिन दोस्तों बताना चाहते हैं कि ये दोनों सेक्टर अगर केमिकल की बात करें या टेक्सटाइल की बात करें तो दोनों इस समय स्ट्रगल कर रहे हैं। वहीं पे दोस्तों मतलब बहुत सारी ऐसी कंपनियां भी दोस्तों जिनके रिजल्ट इतना कुछ खास जो है कि देखने को नहीं मिल रहे हैं। हालांकि दोस्तों इस कंपनी के रिजल्ट अभी खराब देखने को मिले हैं और कंपनी आज भी जो है कि लगभग मतलब 450% के आसपास रिटर्न बनाते हुए दिख रही। तो हालांकि जो पुराने रिटेस्टर हैं हो सकता है कि और भी प्रॉफिट बुकिंग करते हुए दिख सकते, क्योंकि दोस्तों देखिए कोई भी डिसीजन लिया जाता है तो Q4 के या क्वार्टरली रिजल्ट में ही जो है कि डिसीजन लिया जाता है। तो ऐसे में इस स्टॉक में अगर गिरावट होती है तो ये स्टॉक हो सकता है कि मेरे पॉइंट से 25-20 के बीच में जो है कि ट्रेड कर सकता है। अगर तेजी की बात करें तो मार्केट है कहीं भी जा सकता है। हालांकि दोस्तों ये जो है कि मार्केट के विपरीत चलने वाला भी स्टॉक है। चलिए दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू दोस्तों।